हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विधानिया फ्रॉम शिवम ऑटोमोबाइल्स। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज मैं आपको एक बहुत लाउड सेटअप दिखाने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1450 आर एम एस का ये सेटअप रहेगा। ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है होंडा अमेज। इसका मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने पूरा हर्ट्स का सेटअप किया था विद बिटन प्रोसेसर एंड हैमरटेक का 550 आर एम एस सबवूफर लगाया था। तो इसमें खाली हमारे पास गाड़ी एक ही काम के लिए, दैट इज सबवूफर अपग्रेड। उनको थोड़ा और लाउड चाहिए था तो मैंने उनको 1000 आर एम एस का जो हमारी गाड़ी में लगाया था उनको डेमो दिया, बट ही वॉन्टेड मोर लाउडर। सो फाइनली इसमें हम लगा रहे हैं 1450 वॉट आर एम एस का सबवूफर। आपको दिखाना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा दूँ गाड़ी में क्या लगा हुआ था। ये हैमरटेक का 12 इंचेस का सबवूफर इसमें लगाया हुआ था, 550 वॉट्स आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं सबवूफर था। ये जो वायरिंग इसमें हमने यूज़ किया था वेरी प्रीमियम क्वालिटी वायर कनेक्शन का था ये। सो ये रन हो रहा था हमारा हैमरटेक का मोनोब्लॉक के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हैमरटेक का मोनोब्लॉक के साथ ये रन हो रहा था, 650 वॉट आर एम एस, मॉडल नंबर LCA650.1। तो ये मोनोब्लॉक 650 आर एम एस का मोनोब्लॉक था जिसके साथ ये रन हो रहा था। अब इसमें हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं विच इज दिस हैमरटेक OCA 1850.1 विच इज अ 1850 वॉट्स आर एम एस मोनोब्लॉक एम्पलीफायर जिसमें मैं इंस्टॉल करने वाले। मैं उसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। सो गाइस, दिस इज द एम्पलीफायर विच वी आर इंस्टॉलिंग। क्वाइट हैवी इन वेट, वेरी प्रीमियम फिनिश, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का एक मोनोब्लॉक एम्पलीफायर जिसमें हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनरली क्या होता है ये एम में जो पावर केबल घुसेंगे इसका जो स्पेस दिया हुआ है दैट इज़ ऑफ 4 गेज, बट इसमें हम 0 गेज का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें से ऑप्टिमम आउटपुट 0 गेज के वायरिंग के वायरिंग के साथ ही आएगा। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज 0 गेज वायर जो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। स्काई हाई ब्रांड का, अ वेरी प्रीमियम कार ऑडियो ब्रांड। इसका ये स्पीकर केबल्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। ये 0 गेज की वायरिंग इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये 0 गेज की वायरिंग को बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक से 4 गेज का उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक में इनपुट देंगे एंड आउटपुट फोर डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक से 4 गेज का निकालेंगे जिसका पावर इसमें जाएगा। तो इसमें से ऑप्टिमम आउटपुट अपने को मिलेगा। एंड ये रहा हमारा मोनोब्लॉक एम्पलीफायर जो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। वेरी प्रीमियम मोनोब्लॉक एम्पलीफायर, बहुत स्लिक है एंड बहुत प्रीमियम है। एंड इसके लिए जो हमारा कंट्रोलर रहेगा, दिस इज़ द बेस नॉब फॉर द मोनोब्लॉक जो इसमें आएगा, वेरी क्लासी, बहुत सिंपल है देखने में एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जनरली इतने लाउड आ रहे हैं, इतने लाउड सेटअप्स, इतना ऐसा ऐसा हैवी एम्पलीफायर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। बहुत ये अगर आप कोई भी ब्रांड में जाते हैं आपको 1000 आ रहे हैं इसका एम्पलीफायर, मोनोब्लॉक एम्पलीफायर 50,000-60,000 से अच्छा ब्रांड का नहीं मिलता। तो मैं आपको इसकी MRP बताना चाहूँगा। द MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज 39,990 में आपको मिल रहा है 1850 वॉट RMS का एक मोनोब्लॉक एम्पलीफायर। वेरी रीजनेबल, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का एम्पलीफायर है। तो इसमें हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें हैमरटेक बीजिंग के साथ ही आता है, अ वेरी प्रीमियम एम्पलीफायर। एंड जो सबवूफर इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं विच इज दिस हैमरटेक हैवी क्लास HCW 12D2 विद डुअल वॉइस कॉइल, बहुत प्रीमियम सबवूफर है ये, विच इज़ अ 1450 RMS, इज क्वाइट हैवी। अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट होगा 15 से 20 किलो का। सो इसमें हम बहुत अच्छा सबवूफर इंस्टॉल करने वाले हैं। इस सबवूफर की MRP आती है 44,990। सो गाइस, यू कैन सी द मैग्नेट, यू कैन सी द कार्बन फाइबर फिनिश। ये रहा यहाँ पर हमारा स्पीकर वायर्स घुसेंगे एंड दिस जगह से भी। दिस इज अ डुअल वॉइस कॉइल सबवूफर 1450 RMS। अब इसको क्वालिटी देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट, अ वेरी लाउड सेटअप। तो इसमें हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं आपको कैलकटा के बाहर का नहीं बताऊंगा, बट इन कैलकटा आई थिंक दिस इज द लाउडेस्ट अमेज मैंने अभी तक कोई वीडियो में देखा नहीं या फिर कोई गाड़ी अभी तक देखी नहीं। इसमें 1450 RMS का सबवूफर एक अमेज गाड़ी में लगाया हुआ है। हमने वेंटो में भी क्लेम किया था 1500 RMS, उसके बाद हमने आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें 1500 RMS के ऊपर का प्लस का सेटअप हुआ है। जनरली क्या होता है, 1500-1600 RMS से ऊपर का सेटअप आप जब भी जाते हैं यू नीड अ एक्स्ट्रा बैटरी जिससे वो आप उसको रन करेंगे, बट इसमें हम बिग थ्री अपग्रेड कर रहे हैं। तो बिग थ्री अपग्रेड क्या होता है मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगा। विद 0 गेज वायरिंग हम उसको करने वाले हैं। तो बिग थ्री अपग्रेड के साथ इसको हम मोनोब्लॉक का पावर बैटरी से देंगे, पावर केबल से, एंड
वही सबका हमारा 1450 में सबवूफर चलेगा, और ये चलेगा ये हमारे कस्टमाइज बॉक्स में, और दिस इज अ कस्टमाइज बॉक्स ऑफ 12 इंचेस जो मैं आपको लास्ट में फिटिंग इंस्टॉलेशन होने के बाद दिखाऊंगा। तो हम लोग ये कस्टमर से बाय बैक कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया था। तो फाइनली वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसका ऑडियो आउटपुट कैसा है, मैं आपको इसमें एम्प वगैरह दिखाना चाहूंगा जो हमने पहले इंस्टॉल किया था। सो गाइस दिस इज द हर्ट्ज 4 चैनल जो हमने इसमें पहले इंस्टॉल किया था, और एक बिटन प्रोसेसर इंस्टॉल किया था हमने इसमें। सो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा इसका कैसा ऑडियो आउटपुट आता है, क्या क्वालिटी का वूफर बजता है, इसमें क्या बेस आता है। उनको लाउड सेटअप चाहिए था, दिस इज सुपर प्रीमियम वेरी लाउड सेटअप, 1450 RMS सेटअप रहेगा ये। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस इसमें हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, ये रहा मोनोब्लॉक जिसमें हमने इंस्टॉल किया है 1850 RMS का, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक जिसमें हमने 0 गेज का इनपुट दिया एंड 4 गेज का आउटपुट से इसमें इंसर्ट किया है। तो दिस एंटायर थिंग विच वी हैव डन, तो ये रहा पूरा वायरिंग जिसमें हमने किया है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बोनेट जनरली क्या होता है 1500 RMS के ऊपर भी सजेस्ट कस्टमर्स टू चेंज द बैटरी, और अगर आपको बैटरी चेंज नहीं करना है तो फॉर अ गुड ऑडियो अपग्रेड हम लोग जो जनरली कस्टमर सजेस्ट करते हैं कि गो फॉर अ बिग थिंग विच इज़ अ बिग 3। अब बिग 3 अपग्रेड क्या है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें हमने पूरा बॉनेट डैम्पिंग कर लिया मोको का, एंड इसमें बिग 3 अपग्रेड किया। बिग 3 अपग्रेड क्या होता है मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए ये जो वायरिंग हमने इसमें 4 गेज से की है, जो आपको अल्टरनेटिव से बॉडी से बैटरी में जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कंप्लीट हुआ है एंड बैटरी टू ग्राउंड। तो ये पूरा का पूरा हमने ये बिक्स अपग्रेड किया। बिक्स अपग्रेड करने से क्या होता है प्रॉपर करंट में रहता है, एंड इससे आपको ऑप्टिमम आउटपुट मिलता है, बैटरी में प्रेशर कम पड़ता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं चाहता हूँ इसमें क्या होता है कि अगर आप एम्पलीफायर में 4 गेज का वायरिंग करेंगे उससे भी हो जाएगा, आपको ऑप्टिमम आउटपुट नहीं आएगा। जिसकी वजह से हमने यूज़ किया इसमें 0 गेज की वायरिंग विद द प्रॉपर फ्यूज ब्लॉक ऑफ सेंडन ऑडियो ओनली, जिसमें सेंडन ऑडियो का फ्यूज ब्लॉक इंस्टॉल किया है। इससे हमने इसको पावर दिया डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक पे, इसमें जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक में इनपुट हुआ है, एंड उसमें से 4 गेज का आउटपुट हमने दिया है एम्पलीफायर को। तो दिस एंटायर थिंग विच वी हैव डन, मैं आपको सबवूफर भी दिखा देना चाहता हूँ और एक बार सबवूफर के लिए इसमें हमने 1450 RMS का सबवूफर इंस्टॉल किया, वेरी लाउड सबवूफर, वेरी प्रीमियम सबवूफर, इंटायर डिकी हैज बीन डन, मैं आपको दिखा नहीं पाया ड्यू टू वर्क प्रेशर, मैं आपको यहाँ से हल्का दिखा देख सकते हैं इंटायर डिकी हैज बीन डन। तो ये रहा हमारा सबवूफर जिसमें हमने इंस्टॉल किया फाइनली 1450 RMS का, ब्यूटीफुल सबवूफर, वेरी लाउड, वेरी क्लियर, बहुत अच्छा पंच है इसका। तो गाइस दिस इज द सबवूफर जो इसमें इंस्टॉल, अब आता हूं ऑडियो अपग्रेड में, आपको इसका मैं आपको ऑडियो आउटपुट सुनाता हूं। सो गाइस इसमें सारा ऑडियो सेटअप हो चुका है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया इस वीडियो में, अब मैं आपको इसका बेस का इफेक्ट दिखाता हूँ, एंड फॉर द बेटर वीडियो जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल विजिट करिएगा, जिस दिन इसमें यूट्यूब में वीडियो अपलोड होगा उसी दिन हमारे इंस्टाग्राम में इसका रियल आउटपुट अपलोड होगा, तो आप जरूर देखिएगा, वो आपको ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ।